छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी 55 से 60 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा करती आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे ज्योतिष अपने ज्ञान के जरिए ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत की ऊंट किस करवट बैठेगी। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड रीडर नीरव संकेत। हमारे साथ में टैरो कार्ड रीडर हैं नीरव संकेत जी, उनसे मैं पूछता हूँ, एक प्रश्न आपके पास लाता हूँ, जो कि टैरो कार्ड प्रश्नों पर आधारित एक आपकी विधा है। प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर ऐसी स्थिति है जैसा आप सब विद्वान संकेत दे रहे हैं कि फंसे हुए हालात रहेंगे, कश्मकश की स्थिति रहेगी, जोड़ जुगाड़ जमाना पड़ेगा, तो आपको लगता है कोई किंग मेकर बन रहा है या कोई ऐसा है फेसेस में, पार्टी में या किसी एक धड़े में, वर्ग में, जो पूरी सरकार को पीछे से कंट्रोल करने वाली नौबत बनाता हो? टैरो कार्ड से कृपया पूछ के बताएंगे आप। देखिए, जो आपने सबसे पहला प्रश्न किया था जी, पहले मैं उस पर, जो आपने पहले प्रश्न किया था 2018 की स्थिति के लिए, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। ठीक है, तो अभी जो दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए जो है पहले जैसी स्थिति नहीं है, वह बहुत शांतपूर्ण स्थिति में थे, मगर बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे उनकी छवि खराब हुई। मगर आगे जाके जो है, जो शीर्षस्थ जो नेता लोग हैं उन्होंने वो संभाल लिया, बहुत कड़ा संघर्ष है यहाँ पे, है ना। मगर बीजेपी के साथ में जो है भीतराघात हुआ है, जो लोग जुड़े हैं वो दिल से नहीं जुड़े थे, तो उनके जो भी मतभेद होंगे या जो भी कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो उनके लिए घातक है। उनके पास में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है धन, और उसके अलावा उनकी सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस बहुत संघर्ष करेगी और आगे आएगी, मगर बस उनको अपने भीतर घात जो हैं कुछ लोग, उनसे बचना चाहिए, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस आ रही है, मगर उनको अपने साथी लोगों को और उनके ऊपर निगाह रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह धन बल चलेगा और पूरी ताकत से चलेगा।